इंडियन प्रीमियर लीग में जहां एक तरफ युवा भारतीय खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है, वहीं पर कुछ ऐसे भी नामचीन सितारे हैं जिनके ऊपर फ्रेंचाइजी ने भरोसा तो पूरा दिखाया, लेकिन अभी तक इन्होंने निराशा के सिवा अपने टीम को कुछ नहीं दिया है। और आज हम इस वीडियो में ऐसे ही 5 स्टार्स के बारे में बताएंगे जो लगातार इस लीग में रहे हैं फ्लॉप, और बहुत जल्द इनके प्लेइंग 11 में सेलेक्ट होने पर भी लटक सकती है तलवार। हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर रिटेन्ड प्लेयर हैं जिसके लिए फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन से पहले 6 करोड़ का मोटा पर्स भी हल्का कर दिया था, लेकिन अभी तक टूर्नामेंट में इनके प्रदर्शन को देखा जाए तो यही दिखता है कि शायद ये इन्वेस्टमेंट टीम ओनर को भारी पड़ी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के खेमे में रिटेन्ड किए गए चौथे खिलाड़ी कायरन पोलार्ड की, जिन्हें मुंबई ने हार्दिक पांड्या और ट्रेंट बोल्ट से भी ऊपर तरजीह देते हुए रिटेन किया था, ये सोचकर कि पोलार्ड पावर 2022 के सीजन में भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो ये सौदा गलत ही पड़ता दिख रहा है। पोलार्ड ना तो बल्ले से मैच फिनिश कर पा रहे हैं और ना ही पहले बैटिंग करते हुए कोई बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हुए हैं। बड़ी हिट्स तो दूर, उनके बल्ले से एक अच्छी पारी नहीं निकली है, और यही वजह है कि मुंबई इंडियंस अपने पावर हिटर खिलाड़ियों को काफी मिस कर रही है। इसके बाद नंबर आता है केकेआर के ओपनर अजिंक्य रहाणे का। वैसे तो ऑक्शन में रहाणे के ऊपर कोलकाता के अलावा किसी और फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन केकेआर ने पहले ही मुकाबले में रहाणे को अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया हुआ है। पर चेन्नई के खिलाफ पहले मुकाबले को हटा दिया जाए तो इसके बाद लगातार 4 मुकाबलों में रहाणे ने निराश ही किया है। अब तक 5 मैचों में उनके बल्ले से केवल 80 रन निकले हैं। रहाणे के साथ स्ट्राइक रेट का भी मसला है, वो इस सीजन 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। ऐसे में वेंकटेश अय्यर को पावर प्ले के दौरान ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है, और यही वजह है कि किसी भी मुकाबले में केकेआर को एक अच्छी ओपनिंग साझेदारी नहीं मिल पाई है। अब देखना होगा कि क्या कोलकाता आगे भी रहाणे को मौका देती है, या फिर एरॉन फिंच जो केकेआर की टीम से जुड़ चुके हैं उन्हें इस पोजीशन पर आजमाती है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में नंबर 3 पर जो खिलाड़ी मौजूद है उसे नई टीम गुजरात टाइटंस ने अंत में जाकर अपनी टीम में शामिल किया था, पर अब तक उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से निराश ही किया है। हम बात कर रहे हैं बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड की। एक तरफ जहां शुभमन गिल बेहतरीन टच में दिखाई दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ओपनिंग पार्टनर मैथ्यू वेड का बल्ला बिल्कुल ही खामोश रहा है। वो टीम में बतौर विकेटकीपर खेल रहे हैं, लेकिन उनसे ओपनिंग में जो अपेक्षा जताई जा रही थी अभी तक उस पर खरे नहीं उतर पाए हैं। टाइटंस के पास इंडियन विकेट कीपर के रूप में रिद्धिमान साहा का भी विकल्प मौजूद है, और ओपनिंग में रहमानुल्ला गुरबाज के रूप में एक विस्फोटक ओपनर भी शामिल है। ऐसे में अब इतने खराब प्रदर्शन के बाद वेड का प्लेइंग 11 में खेलना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद हमारी इस लिस्ट में 2 और वेस्ट इंडियन खिलाड़ी शामिल है। एक दिल्ली कैपिटल्स की टीम में शामिल है तो दूसरा पंजाब किंग्स के साथ जुड़ा है। यहाँ बात हो रही है रोमन पॉवेल और ओडियन स्मिथ की। जहाँ पॉवेल कैपिटल्स के लिए लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं और उनसे काफी कम गेंदबाजी कराई गई है। इसके अलावा अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसका कोई जिक्र भी किया जाए। 4 मुकाबले निकल चुके हैं और दिल्ली के फैंस बस यही इंतजार कर रहे हैं कि कब रोमन पॉवेल का बल्ला बोलेगा, लेकिन अभी तक तो मामला नील बटे सन्नाटा ही है। वहीं दूसरी तरफ ओडियन स्मिथ का नाम गुजरात टाइटंस के खिलाफ डाले गए उस आखिरी ओवर के बाद आईपीएल में काफी फेमस हो गया है। कैसे स्मिथ आखिरी ओवर में 19 रन भी बचा पाने में नाकाम रहे थे और आखिरी 2 गेंदों में 2 छक्के पिटवाकर एक जीता हुआ मैच पंजाब किंग्स को हरा दिया था। एक आरसीबी के खिलाफ पहले मैच में बल्ले से खेली गई मैच विनिंग पारी को हटा दिया जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि ओडियन स्मिथ की गेंदबाजी बिल्कुल साधारण रही है, और लगभग 8 करोड़ से ऊपर पैसे जो पंजाब की फ्रेंचाइजी ने उन पर खर्च कर दिए थे वो कोई काम में आता तो नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में यहाँ से क्या इन खिलाड़ियों को आगे खेलने का मौका मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या सिर्फ प्राइस टैग होने से आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को लगातार मौके देना चाहिए, या फिर अब टीमों को जरूरी बदलाव के साथ मुकाबले में उतरना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।